नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्रिकेट जगत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि 175 रन पर खेल रहे रविंद्र जडेजा को आखिर दोहरा शतक बनाने क्यों नहीं दिया गया, क्यों पारी घोषित कर दी गई जब भारत के पास बहुत वक्त था और 3 ही दिन में मुकाबला खत्म कर अब भारतीय टीम होटल में आराम करने पहुंच गई है। जिसके बाद फिर से यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी जो एक शानदार दोहरा शतक नहीं पूरा होने दिया। हालांकि रविंद्र जडेजा ने बाद में ये कहा था कि मुझसे पूछा गया था और मैंने ही कहा था कि पारी को घोषित कर दिया जाए। फिलहाल इंतजार था सबसे बड़े बयान का, या तो कोच राहुल द्रविड़ आकर बताएं या तो रोहित शर्मा बताएं कि पारी घोषित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब सामने श्रीलंका थी और इतना वक्त बचा था कि अभी श्रीलंका 2 बार आउट हो सकता था। तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अब रविंद्र जडेजा को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बता दिया है कि दोहरा शतक क्यों नहीं पूरा होने दिया गया। आपको बता दें कि मैच के बाद रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा, जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने रिकॉर्ड बनाए हैं वह भारतीय क्रिकेट के लिए बढ़िया संदेश है। भारतीय पिचों पर आपको जडेजा और अश्विन काफी विकेट लेकर देते हैं, लेकिन टीम में जयंत जैसे गेंदबाज का होना भी जरूरी है क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में कौन सा खिलाड़ी सामने आकर इस तरीके की गेंदबाजी करेगा। पारी घोषित करने का फैसला टीम का सामूहिक फैसला था और इसमें जडेजा को भी विश्वास में लिया गया था। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का यह बयान तब आया है जब लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि जब 3 दिन में मुकाबला खत्म हो सकता था तो रविंद्र जडेजा को 3 ओवर और क्यों नहीं दिए जा सकते थे। जडेजा जब इतनी धारदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके लिए 10-15 गेंदों में 25 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, उसी का जवाब अब रोहित शर्मा ने दिया है और कहा है कि ये टीम ने मिलकर फैसला लिया था और रविंद्र जडेजा से इस बारे में पूछा भी गया था कि क्या पारी घोषित की जाए या फिर दोहरे शतक की तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन अब भी जडेजा के फैंस नहीं मान रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि जडेजा के पास संदेश ये भेजना था कि 3 ओवर मिले हैं, दोहरा शतक पूरा करो, उसके बाद पारी घोषित की जाएगी। तो अब रोहित ने थोड़ी चीज़ें साफ की हैं, लेकिन देखना होगा कि रविंद्र जडेजा के फैंस अभी भी सवाल करना बंद करते हैं या लगातार रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ पर सवालों की बौछार करते हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, क्या रविंद्र जडेजा के कहने के बावजूद जिस तरीके से पारी घोषित की गई वो सही था या फिर कोच और कप्तान की तरफ से ये आदेश देना था कि 3 या 4 ओवर बल्लेबाजी और करो, इसमें दोहरा शतक पूरा करो, उसके बाद पारी घोषित की जाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।